हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए स्ट्रक्चर्स को कमांड करना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आसानी से चल पाती है उसी प्रकार स्ट्रक्चर्स आप याद करते हैं तो इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसान होता है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं 10 न्यू रूल्स, मतलब 10 न्यू स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं जिसको प्रैक्टिस करके आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी स्ट्रक्चर्स को इंग्लिश स्पीकिंग में लाएंगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और बेहतर हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको कहना हो कि मुझे तुम्हें देख कर जलन होता है, मुझे उसकी सफलता को देख कर जलन होता है, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? अगर आपको कहना हो कि मैं चाय का बहुत प्रेमी हूँ, अगर कहना है कि मैं मिठाई का बहुत प्रेमी हूँ, शौकीन हूँ, तो फिर कैसे कहेंगे? बिल्कुल आसान है, लेकिन वही है कि आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स को जानना होगा, समझना होगा, ताकि आप सही से समझ सकें। और एक बात, इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे आप कितना समझते हैं, क्योंकि अगर आप सही जवाब देते हैं तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को सही से देखिए ताकि आपका जवाब सही हो सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है आई एम फॉन्ड ऑफ, मतलब प्रेमी होना या शौकीन होना, किसी चीज़ का प्रेमी होना या शौकीन होना। मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसके बहुत शौकीन हैं, बहुत मज़ा आता है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ। और जब भी प्रीपोजिशन का यूज हो तो उसके बाद हम वर्ब फोर का यूज करेंगे। अगर कोई नाम आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीने का शौकीन हूँ, मैं कॉफ़ी पीने का प्रेमी हूँ, बोल सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का प्रेमी हूँ, शौकीन हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक, बोल सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिक म्यूजिक, और मुझे क्लासिक म्यूजिक बहुत ही अच्छा लगता है, मैं उसका प्रेमी हूँ, शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स, और मुझे गलती बतलाने में बहुत मज़ा आता है, किसी की गलती को ढूंढने में, बतलाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, शौकीन हूँ इसका। और नेक्स्ट है आई एम फ्रेंडली विद, अब क्या है कि आप किसी चीज़ के अनुकूल हैं या किसी से बात करते हैं तो बिल्कुल फ्रेंड के जैसा बात करते हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो बिल्कुल फ्रेंड की तरह टाइम स्पेंड करते हैं, तो उन सभी कंडीशन में फ्रेंडली विद आप बोल सकते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए हो, जानवर के लिए हो, या फिर इन्वायरमेंट के लिए हो, या फिर घर के लिए हो, किसी माहौल के लिए हो, तो आप बोल सकते हैं फ्रेंडली विद। तो हम क्या लिखेंगे, अनुकूल होना या मित्रवत होना, मित्रवत होना मतलब दोस्त की तरह होना, दोस्ताना व्यवहार होना। जैसे आई एम फ्रेंडली विद एवरीबॉडी, मैं सभी लोगों से फ्रेंडली होता हूँ, मित्रवत व्यवहार करता हूँ, मित्र की तरह रहता हूँ, दोस्त की तरह रहता हूँ। आई एम फ्रेंडली विद माई स्टूडेंट्स, और मैं अपने स्टूडेंट से मित्रवत व्यवहार करता हूँ, उसके पास, उसके साथ बिल्कुल दोस्त की तरह रहता हूँ। आई एम फ्रेंडली विद दिस पीपल, और मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली हूँ, बिल्कुल दोस्त की तरह सभी हैं मेरे साथ। आई एम फ्रेंडली विद दिस एनवायरमेंट, और मैं इस माहौल में बिल्कुल अनुकूल हूँ। अब अनुकूल होना भी होता है, मतलब आप उसमें बिल्कुल सहज अनुभव कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम फ्रेंडली विद दिस एनवायरमेंट। एक और बात है कि कई बार फ्रेंडली के बाद टू का भी प्रयोग किया जाता है, तो आप विद का प्रयोग भी कर सकते हैं और टू का भी कर सकते हैं, लेकिन विद का प्रयोग बहुत कॉमन है तो फ्रेंडली विद का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंस बोलते रहते हैं, कॉन्फिडेंट बोलते रहते हैं, लेकिन ये आपको जुबान पर रखना पड़ेगा। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, अगर इजी तरीके से देखा जाए तो इसे समझेंगे यकीन होना, यकीन है। जैसे आप बोलते हैं मुझे यकीन है मैं ये काम कर लूँगा, तो हम बोलेंगे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस,
मुझे यकीन है मैं रेस जीत लूँगा। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग द एग्जाम, और मुझे यकीन है मैं परीक्षा पास कर जाऊँगा। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग हर हार्ट, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है मैं उसके दिल को जीत लूँगा। अब देखेंगे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ परसुएडिंग हर, और परसुएडिंग का मतलब होता है किसी को राजी कर लेना, किसी को मना लेना। तो मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि मैं उसे राजी कर लूँगा। तो आप कॉन्फिडेंट ऑफ का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि ऑफ के बाद में, मतलब किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में यहाँ पर वर्ब फोर का यूज करेंगे, उसके बाद में अगर नाउन है तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ का मतलब है असमर्थ होना। असमर्थ होना मतलब ये है कि आप किसी चीज़ में असमर्थ हैं, अयोग्य हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप बोल सकते हैं आई एम इनकैपेबल ऑफ, लेकिन उसके बाद फिर हम वर्ब फोर का यूज़ कैसे कर रहे हैं। आई एम इनकैपेबल ऑफ हेल्पिंग यू विद मनी, मैं तुम्हें पैसा से मदद करने में असमर्थ हूँ, पैसा से मदद नहीं कर पाऊँगा। आई एम इनकैपेबल ऑफ कन्विंसिंग हिम, मैं उसे समझाने में असमर्थ हूँ। आई एम इनकैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, और मैं अंग्रेजी बोलने में असमर्थ हूँ। आई एम इनकैपेबल ऑफ वॉकिंग सो फार, और मैं इतना दूर चलने में असमर्थ हूँ। और नेक्स्ट देख लेते हैं आई एम जेलस ऑफ, अगर आपको किसी को देखकर जलन होता है, किसी की संपत्ति, किसी का घर या कोई सामान देखकर आपको जलन होता है, और जलन का मतलब ईर्ष्या, अगर आपको ईर्ष्या होता है तो आप बोलेंगे आई एम जेलस ऑफ। कैसे बोलेंगे? आई एम जेलस ऑफ योर सक्सेस। लिखते हैं जलन होना, क्योंकि ये सिंपल वर्ड है जलन होना, जलने के बाद नहीं बल्कि देख कर जलन होना। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई एम जेलस ऑफ योर सक्सेस, मुझे तुम्हारी सफलता को देखकर जलन होती है। आई एम जेलस ऑफ हर ब्यूटीफुल होम, और मुझे उसके सुंदर घर को देखकर जलन होती है। आई एम जेलस ऑफ लुकिंग योर मोबाइल, और मुझे तुम्हारे मोबाइल को देखकर जलन होता है। तो किसी को देखकर या किसी वस्तु को देखकर आपको ईर्ष्या होता है तो आप बोलेंगे मुझे जलन होता है, और आई एम जेलस ऑफ। नेक्स्ट है आई एम स्केयर्ड ऑफ का मतलब डरा हुआ होना, डरा हुआ या फिर डर लगना भी। जैसे आई एम स्केयर्ड ऑफ माय फादर, मुझे अपने पिताजी से डर लगता है, मुझे अपने फादर से डर लगता है, उनसे डरा हुआ हूँ। आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग बीटन, और मुझे पिटाई खाने से डर लगता है। गेट बीटन का मतलब पिटाई खाना, बोलने में आप यूज कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट है आई एम काइंड टू, अगर किसी वस्तु, व्यक्ति और किसी के प्रति आप दयालु हैं तो आप काइंड टू का यूज़ कर सकते हैं। दयालु होना, दयालु होना के लिए आप काइंड टू का यूज़ कर सकते हैं। आई एम काइंड टू एनिमल्स, और मैं जानवरों के प्रति दयालु हूँ। आई एम काइंड टू द हेल्पलेस, और मैं जो असहाय है उसके प्रति दयालु हूँ। आई एम काइंड टू द नीडी, मैं ज़रूरतमंद लोगों के प्रति दयालु हूँ। आप किसी चीज़ के प्रति दयालु हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम काइंड टू। नेक्स्ट है आई एम सेटिस्फाइड विद, अब संतुष्ट की बात है। अगर आप किसी चीज़ से, किसी बात से, कोई एक्टिविटीज से संतुष्ट हैं तो इसके लिए आप बोलेंगे आई एम सेटिस्फाइड विद, संतुष्ट होना। याद रखेंगे क्योंकि एक कॉमन वर्ड है, आपको ऐसे ही याद होगा। तो आई एम सेटिस्फाइड विद योर आंसर, मैं आपके जवाब से संतुष्ट हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, अब क्या है प्रोडक्ट का मतलब? आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, कुछ भी टूथपेस्ट, ब्रश, कुछ भी यूज़ करते हैं और उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तो आप बोलते हैं आई एम सेटिस्फाइड विद। तो आई एम सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, आई एम सेटिस्फाइड विद योर सर्विस। अब क्या है, कहीं होटल में खाने के लिए गए और वहाँ का जो सेवा रहा आपके प्रति, तो आप बोलते हैं आई एम सेटिस्फाइड विद योर सर्विस। चाहे किसी प्रकार का सर्विस हो, आप बोल सकते हैं आई एम सेटिस्फाइड विद योर सर्विस। नेक्स्ट है कीन ऑन का मतलब है किसी चीज़ को जानने या सीखने का तीव्र इच्छा को व्यक्त करने के लिए, तीव्र इच्छा व्यक्त करने के लिए, खासकर जानने और सीखने के लिए। जैसे आई एम कीन ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक, और मैं गाने को सुनने के लिए
इच्छुक हूँ या पसंद करता हूँ, कोई भी चीज़ आपको खूब ज़्यादा पसंद है, खूब ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आप कीन ऑन बोल सकते हैं। बहुत अधिक आपकी रुचि है उस चीज़ में तो आप बोल सकते हैं आई एम कीन ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो अधिक अच्छा बताने के लिए आई एम कीन ऑन प्लेइंग क्रिकेट, और मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से इच्छा, तीव्र इच्छा को प्रकट करने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए, सीखने के लिए, पाने के लिए आप कीन ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों को जुबान पर रखिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए ताकि आप इस पर कमांड सही से कर सकें। नेक्स्ट है आई एम क्रेजी अबाउट, और ये भी होता है पागल होना, और ये पागल वो नहीं जो हॉस्पिटल में भर्ती हो, ये पागल का मतलब है किसी चीज़ के प्रति पागल होना, किसी चीज़ को पाने के लिए पागल होना। जैसे आई एम क्रेजी अबाउट दिस सॉन्ग, अगर आपको कोई सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को, उस गाना को सुनने के लिए या फिर रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए कहीं आप जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मतलब खोज रहे हैं उसे, तो आई एम क्रेजी अबाउट दिस सॉन्ग, आई एम क्रेजी अबाउट हर स्टाइल, और मैं उसके स्टाइल के पीछे पागल हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि इसे हम किस प्रकार यूज़ करेंगे, और आजकल इसका यूज बहुत अच्छा होता है, अधिक होता है। तो आई एम क्रेजी अबाउट न्यू कार, और मैं न्यू कार के प्रति पागल हूँ, मैं न्यू कार के पीछे पागल हूँ। तो आई एम क्रेजी अबाउट इस तरह से यूज कर सकते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु को देखने या पाने के लिए आप पागल हैं, बहुत तीव्र इच्छा है, तो आई एम क्रेजी अबाउट भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने के, और देखते हैं आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। तो आज का सवाल है, मैं तुम्हें पैसा से मदद करने में असमर्थ हूँ, मैं तुम्हें पैसा से मदद करने में असमर्थ हूँ, इनकैपेबल ऑफ, बता चुके हैं, और अब इससे ज़्यादा और क्या बताएं, हिंट्स मैं आपको दे दिया हूँ, और देखता हूँ आपका जवाब कितना सही होता है। अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए और एक एक कमेंट को हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।